हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं अभी नहाई नहीं हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, सोचा कि अपने फेस की थोड़ी क्लीनिंग कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया है क्लीनिंग नहीं की है हमें। हम मतलब लेडीज़ों को घर से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और अपने फेस की क्लीनिंग करनी चाहिए। तो यह मैंने लिया है आलू का पानी। जैसे आपने देख रखा है, आलू को क्रैश करके और उसका पानी जूस सा निकाल के मैंने लिया है। फिर मैंने इसमें मिलाया है एलोवेरा जेल, ये मिलाया है मैंने ई कैप्सूल, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। एक आप ई विटामिन कैप्सूल आता है इस टाइप का, और मतलब ये काफ़ी अच्छा है, ब्यूटी है। इसमें फेशियल ऑयल की तरह मतलब ये होता है, और ये एलोवेरा विटामिन ई है, एलोवेरा विटामिन ई कैप्सूल है। इसको मिला के फेस काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और ये मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हनी, ये मैंने इसमें ये वाला हनी लिया है, इसमें थोड़ा सा चम्मच मैंने हनी डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे देख सकते हो ये मेरा चेहरा बिल्कुल डल हो चुका है, और मैं इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फेस पर लगाएंगे। हम लेडीज़ों की लाइफ में इतनी भागदौड़ होती है कि हम अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। कभी सारा वक्त कभी हस्बैंड को, बच्चों को, घर फैमिली को, सबको देते रहते हैं, और हम अपनी लाइफ के बारे में भूल ही जाते हैं कि हमारी भी कोई लाइफ है, हमें भी अपना मतलब मेंटेन रखना है। तो इस वजह से तो आप सभी भी टाइम निकाल के थोड़ा ये अपने फेस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये मैं थोड़ा सा जूस ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि आलू के जूस से क्या होता है, ये पिगमेंटेशन और ये चेहरे की झाइयाँ वगैरह और जो चेहरे पे जो भी दाग धब्बे होते हैं वो नहीं होते हैं। इससे बस आपको क्या करना है, ये हल्के हल्के से फेस पर ऐसे करके लगाना है, और फिर इससे थोड़ी सी मसाज सी भी करनी है। ये मैं अभी लगा ले रही हूँ ब्रश के सहायता से, लगाऊंगी इसको ऐसे करके, और फिर मैं थोड़ी सी इसको ऐसे करके अच्छे से मसाज कर रही हूँ। देखिए और मसाज करने के थोड़ी देर तक मसाज कीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए। और देखना आपकी जो त्वचा ढीली ढीली और हमारी एज के अनुसार जो ये चेहरे पर रिंकल्स आ जाती हैं वो चीज़ नहीं आएंगी। ये यहाँ पर आ जाती है ना, आईब्रो के पास जो सरबटें आ जाती हैं, ये चीज़ आप इस तरीके से लेंगे तो ये नहीं आएंगी। मतलब हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो। तो ये था मेरा गाइस आज का वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ थोड़ा सा। तो आप लोग भी करके देखिए, अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चेहरे को मैं आपको अपना बाद में दिखाऊंगी। ये देखो थोड़ा साफ़ हो रहा है ना, कितना साफ हो गया, जो ब्लैक थे वो काफ़ी अच्छे से निकल के आ जाता है और हमारा एकदम फेस क्लीन हो जाता है। तो गाइस मैं आपको फिर अपना फेस दिखाऊंगी बाद में धोकर, इसे मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा सी मसाज कर लेती हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सुखाना है, सुखा के फिर हम अपना चेहरा वॉश कर लेंगे। बट मैं तो सीधा नहाने ही जाऊँगी, अब इसके ऊपर साबुन नहीं लगाऊँगी। अगर आप नहाने से पहले लगा रहे हो तो प्लीज़ फिर उसके बाद साबुन मत लगाना। हाँ, आप एक कोल्ड क्रीम लगा सकते हो, मॉइस्चराइज़र कोई सा भी लगा सकते हो, जिससे कि वो चेहरा थोड़ा खिंचा खिंचा और टाइट एकदम अजीब सब वाइट सा ना हो, क्योंकि इसमें आलू का पानी है। ये हमारी जो यहाँ पर वाइट्स ब्लैक कलर के वो रिंकल्स आ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, ये उस आलू है ना हमेशा उससे बचाता है। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।